नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, जहां मैं आज हमारे उत्तराखंड का स्पेशल गडेरी की सब्जी बनाने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में, कैसे हम गडेरी को तैयार करते हैं और कैसे इसकी सब्जी बनती है और गडेरी क्या होती है। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि किसे कहते हैं गडेरी। गडेरी दरअसल कोलकेशिया का एक बड़ा रूप है, यानी कि उसको नॉर्मल पिनालू से थोड़ा सा बड़ा इसका आकार होता है और एक तरह की जो है रूट वेजिटेबल में आता है। तो बने रहिए यहाँ पे, साथ में दिखाता हूँ मैं क्या है गडेरी और कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं हमारे कुमाऊँ और उत्तराखंड में। इनफैक्ट कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, स्टे देयर। यहाँ पे मेरे पास है गडेरी, एक पार्ट हमने बना चुके हैं और एक पार्ट ये मेरे पास गडेरी है। और उसके लिए साथ में जायका लगाने के लिए मेरे पास गार्लिक की फलियां और जिंजर और थोड़े से ग्रीन चिली मैंने इसको तोड़ के रख लिया है। और मेरे पास है प्याज जो छील के तैयार है और टमाटर, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ से पहाड़ के स्पाइसेस हैं वो मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा बाद में, और थोड़े से हरे पत्ते। यहाँ मेरे पास है पालक, तो इसको मैं सारा ब्लेंड करके बनाने वाला हूँ गडेरी की सब्जी। तो सबसे पहले हम गडेरी को एक बार छिल लेंगे, पहले स्किन को आउट कर लेंगे, फिर काटते हैं। क्या है इसके पीछे का फैक्ट मैं आपको धीरे धीरे बताते रहता हूँ। तो फाइनली ये गडेरी अब छील के तैयार है। इसको मैं काटने वाला हूँ चार पीस में, और इसको हम कैसे स्लाइस करते हैं इसका भी एक पीछे फैक्ट है। जब हम इसको काटेंगे थोड़ा सा स्लाइस करके के बाद इसको तोड़ेंगे, कट्टा इसकी आवाज़ आनी चाहिए, सो दैट जो बीज का ये पार्ट है ये काफ़ी स्लिपरी होता है, ये पकना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली काटेंगे तो ये बहुत स्लो पकता है, अगर उसको हम काट के टक आवाज़ जब से निकालेंगे तो इसके अंदर पकने की क्षमता और फास्ट होती है। तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे काटते हैं। इसको चार पीस में काट लेते हैं, ये काफ़ी हार्ड होता है। मेक श्योर कि आप चाकू को दाएं बाएं ना करें, इस तरह से आवाज़ नहीं चाहिए। थोड़ा काटा, थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे इस तरह से, चार पीसेस कर लिए। अब इसे मैं अलग से रखने वाला हूँ, इसको इतना काटने के बाद इसको ऐसे तोड़ लेना चाहिए, बारी बारी से करते रहेंगे। तो दोस्तों गडेरी कट के तैयार है। अब मेरे पास है गार्लिक की फली, जिंजर और ये सब मैं एक ओखली में लेके इसको कूट लेता हूँ, जो इसको तड़का लगाने के लिए काम आएगा। तो कुछ इस तरह से है पकाने का, तो गैस को ऑन कर लेते हैं। लेंगे सरसों का तेल, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए। दोस्तों अभी तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन का हम तड़का लगाएंगे और साथ साथ में प्याज को हम इस तरह से डायरेक्टली काटते रहेंगे इसके अंदर। तो प्याज को ब्राउन कर लेते हैं इसको। जैसे कि प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इस पर हम डालेंगे अब
कूटा हुआ गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च, इसको फिर करेंगे वापस में, थोड़ा सा रोस्ट होता रहेगा। तो फ्रेंड्स अब वक्त है, ये जैसे रोस्ट हो चुके हैं तो इसमें टमाटर जैसे लंबे लंबे पीसेस में काट लिए थे और इसमें मिक्स स्पाइसेस जिसमें हल्दी है, इसमें रेड चिली पाउडर है और इसमें किचन किंग मसाला जिसमें कोरिएंडर और क्यूमिन सीड पाउडर है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ साथ में थोड़ा सा हमारे यहाँ उत्तराखंड का तिमूर और गंदरैनी का पाउडर और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मसाला अब हो गया है तैयार और अब इसको जो है हमें ज़रूरत है अब इस पे गडेरी को डालने का, तो मैं गडेरी को इसमें प्लेस कर देता हूँ। उसके कपड़े से इस हैंडल को पकड़ते हुए इसको अब मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। तो इसे पकाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करते हैं, उसके बाद ढक्कन लगा के इसको पका लेते हैं थोड़ी देर, फिर एक कुक होकर तैयार हो जाएगा। तब हम इस पे पालक के पत्ते को ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, फिर ये एकदम तैयार। जैसा कि हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है और पानी ऐड करने के बाद इसको लगा लेते हैं ढक्कन और थोड़ी देर इसको पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी स्पाइसेस थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसको रोस्ट करने के बाद इसमें पानी को हमने डाला और पानी को डालने के बाद इसको हल्की आंच में थोड़ी देर पका लेते हैं। इसके 10 से 12 मिनट 15 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद हम इस पर जो भी और जायका लगाना है यानी कि हरे पत्ते हैं और हमारे पास नींबू है या तो आप इस पर कभी कभी मट्ठा या तो दही को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इफ़ यू लाइक दैट। अदरवाइज अब ऐसे ही इसको मसालेदार बना के भी खा सकते हैं। सो बने रहिए वीडियो में, अब पकने तक का इंतजार है और जैसे पकता है तो देन वी विल सी व्हाट्स दैट गोना कम आउट। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है कुक, अब इस पे मुझे ऐड करना है पालक के पत्ते जो मैंने काट के तैयार कर लिए थे, अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ इस पे और साथ साथ में इसको पकाएंगे और अब ये जो है इसमें ब्लेंड होके अपना खुद का एक और टेस्ट इस पे बनाएगा और आप देखते रहिए, आप भी बना रहे हैं तो डेफिनेटली कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये मैंने मिक्स इसको कर लिया है वापस और इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। फ्रेंड्स अब ये लगभग 12-14 मिनट कुक हो चुका है, आई बिलीव ये अंदर से पक चुका है। अब मैं आपको इसके पीछे का एक फैक्ट और बताता हूँ, ये जो कोलकेशिया है यानी कि पिनालू और ये गडेरी का जो नेचर होता है वो आपके गले में खराश पैदा कर सकती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पकाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ में उस खराश को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें खट्टापन डालना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बताया नींबू उसमें डाल सकते हैं या तो मट्ठा उसमें डाल सकते हैं या दही इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर खट्टा होता है, अकॉर्डिंगली वो इस चीज़ को रैप अप कर देते हैं और आपके गले की खराश जो उस पर खाने के बाद आती है वो नहीं आएगा। तो वेरी मच इसको आप फॉलो करें, अदरवाइज आप इससे परेशान भी रह सकते हैं। और साथ साथ में आपको ये बता दूं कि ये जो गडेरी है इसकी तासीर गर्म होती है
और ये सर्दियों में खाया जाता है तो ये आपके शरीर को गर्म रखता है। तो ना भूलें इस चीज़ को और साथ साथ में बनाते भी रहें। अब मैं रिवील करता हूँ ये कुक हो चुका है, तो आइए मेरे साथ, लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग लाइक। थोड़ा सा गैस को स्लो डाउन कर लेते हैं, इसको हम खोल लेते हैं। वाव, ये अब देखिए ये जो है बुलबुले काफी तगड़े हो चुके हैं और ये जो इसकी जो रस है ये गाढ़ा हो चुका है, इट मीन्स ये पक चुका है और ये आराम से इसको जेंटली हम मिक्स करेंगे, टूटे ना। और उम्मीदन ये पक चुका है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि पक चुका है या नहीं पक चुका है, तो उसके लिए हमें एक चीज, एक पीस को साइड में लेके ऐसे तोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स ये पक चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसको मैं परोस लेता हूँ एक अपने पोर्शन बोल में। उससे पहले इस पर थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ चॉप्ड धनिया। संभवतः मुझे अब गैस को भी बंद करना पड़ेगा, गैस को मैं बंद कर लेता हूँ। ये पक चुका है तो रेडी टू सर्व है, तो आप भी देखें। फ्रेंड्स ये मैंने इस पे सर्व कर लिया है थोड़ा सा, एज यू कैन सी दिस वन। और इस पे हम, अब मेरे पास है नींबू, मैं थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर निचोड़ दूंगा इस तरह से। और एक चम्मच को लेते हुए इससे टेस्ट कर लेते हैं पीस को कि इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। सिंस ये थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा सा इसको अभी हम थोड़ा सा और रुक लेते हैं, इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसकी तड़ी। और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही टेम्प्टी लग रहा है, बट लेट्स सी टेस्ट कैसा इसका आ रहा है। इसका टेस्ट एकदम स्वीट वाटर फिश की तरह हो गया है, बहुत ही जबरदस्त, और मुंह में ऐसा गल रहा है, मैं जाती गल जा रहा है। तो ये एकदम अच्छी तरह से कुक हो चुका है और थोड़ा फील मेरे गले में इस तरह का खराश भी नहीं आ रहा है। सो इट मींस ये कुक भी हो गया है। इस पे हमने खट्टा भी डाल दिया है और बना दिया है मैंने गडेरी की सब्जी, हमारे कुमाऊनी और उत्तराखंड स्टाइल में। आप भी जरूर बनाएं घर में, ये इस मौसम की सबसे बड़ी खासियत और तोहफा है हमारे हाथ पे कि गडेरी की सब्जी हमारे पास है, तो हम इसको बना के क्यों ना खाएं। टिल द टाइम आप भी अगर बना ही रहे हैं तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।